जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस दुनिया में पक्षी किसे पसंद नहीं होते हैं। हर कोई पक्षियों को प्यार करता है। काफी लोग इन्हें अपने घर पर भी रखते हैं, क्योंकि ये बेहद ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं और किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी पृथ्वी में इंसानों की जनसंख्या और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इंसानों ने जंगलों पर भी अपना कब्जा कर लिया है, जिस कारण से इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। साथ ही मोबाइल टावर के रेडिएशन की वजह से भी कई पक्षियों की हर दिन मौत हो जाती है, और जल्द ही इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्हें बस हम तस्वीरों में ही देख पाएंगे और इन्हें देखना एक सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज तक आपने कई पक्षियों को देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और ऐसे पक्षी दिखाने वाले हैं जो बहुत ही मुश्किलों से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन पक्षियों की संख्या बहुत कम है। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे यूनिक पक्षियों के बारे में। नंबर एक पर है गोल्डन फैसंट। दोस्तों, इसके जैसा खूबसूरत पक्षी आज तक आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। ये चाइना में पाया जाता है और इसके सिर पर गोल्डन कलर के ताज जैसा पंख होता है, जिसके कारण पक्षी को गोल्डन फैसंट के नाम से जाना जाता है। इसकी गर्दन में कई धारियों में काली और नारंगी कलर की पट्टियां मौजूद होती हैं, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसका शरीर भी कई रंगों से सजा होता है, मानो किसी ने इसे पेंट द्वारा सजाया हो। नंबर दो पर है लॉन्ग वेटल्ड अम्ब्रेला बर्ड। इस पक्षी को दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में गिना जाता है। यह पक्षी कोलंबिया में पाया जाता है। इस पक्षी के गर्दन पर एक लंबा पंख निकला होता है, जो कि बाकी पक्षियों में नहीं पाया जाता। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह केवल नर पक्षी में ही पाया जाता है, जो इस पक्षी की खूबसूरती पर चार चांद लगा देता है। मादा पक्षियों में यह पंख नहीं पाया जाता। ये पक्षी काफी शर्मीले होते हैं। इन्हें बड़ी मुश्किल से ही देखा जा सकता है। इन्हें अकेला रहना बेहद ही पसंद है। नंबर तीन पर है ककेपो। दोस्तों, इस पक्षी को ऑल पैरोट भी कहा जाता है, क्योंकि यह विचित्र सा दिखने वाला पक्षी एक ऑल की तरह दिखता है और जिसके शरीर का रंग एक पैरेट की तरह होता है। यह पक्षी उड़ नहीं सकता, ये जमीन पर ही चलते हैं, जिस कारण से यह पक्षी काफी जीव जंतुओं का शिकार बन जाता है। आज के समय में इस पक्षी की पृथ्वी पर काफी कम संख्या बची है। यह पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यहाँ के आम नागरिक भी इन पक्षियों को बचाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है किंग वल्चर। दोस्तों, वल्चर नाम सुनते ही आपके दिमाग में उन पक्षियों का ख्याल आता होगा जो कि हर एक प्रकार का मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन जिस वल्चर की हम बात कर रहे हैं, वह इन वल्चर से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये प्रजाति अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है और ये पक्षी दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। इसका शरीर कई रंगों से ढका होता है। नीले रंग से लेकर नारंगी रंग तक इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, जो बेहद ही आकर्षित करता है। और इसका शरीर सफेद कलर का होता है, जो इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देता है। नंबर पांच पर आता है ट्रेमिनिक ट्रेंगोपान। दोस्तों, आज तक आपने इस तरह का पक्षी पहले कभी नहीं देखा होगा। ये पक्षी आकार में छोटे होते हैं तथा हिमालय की उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति में मादा पक्षी सबसे खूबसूरत होती है। इनका कलर नीला होता है, जो बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। इनके गले का यह नीला घेरा बेहद ही खूबसूरत लगता है, जिस पर बेहद से डॉट भी बने होते हैं, और इनके सिर पर दो पंख खड़े होते हैं, जैसे जानवरों में दो सिंह होते हैं। इनका शरीर काले और नीले रंग से ढका होता है। स्वभाव से ये पक्षी बेहद ही शांत और शर्मीले होते हैं। ये पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। छठवें नंबर पर आता है सोईबिल स्टॉर्क। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और यूनिक पक्षी है। यह पक्षी आपको डायनासोर के जमाने की याद दिला देता है। दोस्तों, इस पक्षी को बेहद ही यूनिक बनाता है इसकी चोंच। इसकी चोंच बाकी पक्षियों की तुलना में काफी विशाल होती है, और ये पक्षी मुख्य रूप से नदियों और झील के पास पाए जाते हैं। ये पक्षी अमेरिका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और इनका प्रिय भोजन मछली होती है।
सातवें नंबर पर आता है वल्चरिन फॉल। ये पक्षी काफी बड़े आकार के होते हैं। इनका शरीर कई धारियों से ढका होता है और ये धारियां नीले और सफेद रंग से ढकी रहती हैं। इनकी आंखें लाल रंग की होती हैं। इन पक्षियों का मुख्य भोजन बीज और छोटे जीव होते हैं। ये पक्षी अमेरिका और केनिया के जंगलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन जमीन पर ये काफी तेजी के साथ दौड़ते हैं। इस प्रजाति में नर पक्षी काफी आक्रामक होते हैं, जबकि मादा पक्षी काफी शांत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।